तो जी दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हो कि इस तरह का इफ़ेक्ट जो है वो अपनी वीडियो में लगाएं, तो उसके लिए सबसे पहले आप लोगों ने मीडिया में जाना है। मीडिया में जाके यहाँ पे बैकग्राउंड में आपने ब्लैक बैकग्राउंड जो है वो उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद इसको थोड़ा सा जो है वो लंबा कर लीजिए। अब उसके बाद जो है आप लोगों ने यहाँ से इसके ओके कर लेना है। ओके करने के बाद अभी आप लोगों ने जो है वो लेयर में जाना है। लेयर में जाने के बाद एक पिक्चर जो है वो आप लोगों ने यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। ये वाली पिक्चर जो है वो मैंने सिलेक्ट की। अब इसकी थोड़ी सी सेटिंग करते हैं और इसको ओके कर लेते हैं। अभी आप लोगों ने इस पिक्चर पर जो है वो क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्रॉपिंग की ऑप्शन है, आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक करना है। और यहाँ पे मास्क जो है, यहाँ शेप को इनेबल करने के बाद यहाँ पे शेप पे क्लिक करेंगे। शेप पे क्लिक करने के बाद अब ये जो सेकंड वाला है इसके ऊपर हमने क्लिक करके इसकी थोड़ी सी जो है वो हमने सेटिंग कर लेनी है। और इसको जो है वो ऊपर से और नीचे से सेटिंग करने के बाद ओके के बटन पे क्लिक करेंगे। आप लोग देख सकते हैं कि इसकी शेप जो है वो चेंज हो चुकी है। अब हम इसकी जो है वो सेटिंग कर लेते हैं अपनी इस स्क्रीन के मुताबिक। तो इस तरह स्क्रीन इस तरह जो है वो सेटिंग करने के बाद अभी हम यहाँ से इसको ओके के बटन पे क्लिक करेंगे। अभी हमने स्क्रीन इसी पिक्चर के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों ने कलर एडजस्टमेंट में जाना है। यहाँ से आके हम इसकी जो एडजस्टमेंट है थोड़ी सी जो है आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे इसकी जो कलर एडजस्टमेंट है वो चेंज हो गई है। ठीक है जी, इसको भी हम थोड़ा सा जो है वो चेंज कर लेते हैं। और तीसरे वाले को भी हम जो है वो थोड़ा सा जो है वो कलर एडजस्टमेंट इसकी कर लेते हैं। तो ये पहले वाले की हम थोड़ी सी जो है वो 2.2 से ले कर हम जो है वो 10 तक चले जाते हैं जी। और इसको हम जो है वो क्लिक कर लेते हैं। अभी हमने दोबारा से पिक्चर के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे 3 डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे डुप्लीकेट पे हमने जो है वो क्लिक कर लेना है। डुप्लीकेट पे जब आप क्लिक करेंगे तो नीचे वाली जो डुप्लीकेट हुई है उसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे करना क्या है प्यारे दोस्तों, के यहाँ पे कलर इफ़ेक्ट्स में जो है वो आ जाना है। और ये सेकंड वाली जो इफ़ेक्ट्स है इसको जो है वो आप लोगों ने क्लिक करना है और यहाँ पे ओके के बटन पे यहाँ पे क्लिक कर लेना है प्यारे दोस्तों। अब हम इसी जो है वो पिक्चर के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ओवरले एनिमेशन में आएंगे और यहाँ पे ब्लिंक शो जो है इसके ऊपर क्लिक करेंगे और ओके के बटन पे क्लिक कर देंगे। अब हम जो है वो वीडियो को जो है वो प्ले करके देखते हैं कि इसके ऊपर ब्लिंक का जो है वो, तो इस तरीके से आप लोग ये वीडियो देख सकते हैं कि ये वीडियो जो है वो अब ब्लिंक करना शुरू हो चुकी है प्यारे दोस्तों। अभी जो है वो हमने इसकी जितनी सेटिंग करनी थी वो हो गई। अभी हमने जो है वो यहाँ पे एक इफ़ेक्ट्स लगाएंगे। वो किस तरीके से लगाना है, हमने लेयर में आएंगे। लेयर में आने के बाद ये मीडिया है आपके मोबाइल में जहाँ पर वो पड़ा हुआ है वहाँ से जाके उसको जो है वो आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेना है। तो मेरे पास यहाँ पर है, मैं इसको जो है वो प्यारे दोस्तों पूरी स्क्रीन पर जो है वो लगा देता हूँ। और यहाँ से इसको जो है वो मैं जो है प्यारे दोस्तों इसको हम लोग जो है वो यहां से क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद आप लोगों ने यहां पे ब्लेंडिंग में आना है। ब्लेंडिंग में यहां पे एक स्क्रीन की ऑप्शन है, तो इस तरीके से आपकी जो बैक स्क्रीन है वो फ्रंट में आ जाएगी प्यारे दोस्तों। और ऊपर से हमने इसको जो है वो क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप लोग अब देख सकते हैं कि इस तरह का जो है वो इफेक्ट इस पर जो है वो लग चुका है। इस तरह का इफेक्ट्स आप प्यारे दोस्तों यहाँ पे लग चुका है। यहाँ पिक्चर को आप आगे कर ले जितना आप जो है वो व्हाट्सअप स्टेटस बनाना चाहते हैं आप लोग जो है वो इस तरीके से बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद अपडेट्स जो हैं वो आपको मिलती रहें।